نحمدك يا عظيم كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد والصلاة کے بعد سامعین محترم بزرگوں بھائیوں وراثت کے مسائل پر آج ہماری آٹھویں قسط ہے. آج کے درس میں باپ کی وراثت لینے کی طرف جب نسبت کریں گے مختلف تین حالتیں بنتی ہیں. فلاں فلاں ورثاء کھڑے ہیں تو والد کا یہ حصہ ہے, اگر یہ اور یہ ورثاء کھڑے ہیں دوسری صورت تو والد کا یہ حصہ ہے, اور اگر فلاں فلاں یہ اور یہ بھی نہیں بلکہ وہ ہیں تو پھر والد کا یہ حصہ ہے. یہ تین حالتیں ہیں. پہلی حالت ہے جب والد کے ساتھ باپ کے ساتھ میت کا یعنی مرنے والے کا بیٹا یا پوتا, اسی طرح بیٹا نہیں اور بھی کوئی وارث نہ کھڑا ہو, پوتا اس کے قائم مقام ہے, پوتا بھی نہیں کوئی وارث اور نہیں تو پوتے کا آگے جو بیٹا ہوگا وہ اس کے قائم مقام, وہ تیسری نسل والا بھی نہیں تو جو اس سے آگے چوتھی نسل میں کھڑا ہے وہ اس کے قائم مقام. پہلی حالت میں مرنے والے کا بیٹا ہے تو اس وقت باپ کو کیا ملتا ہے, اس وقت باپ کو اسی حالت کا ذکر ہم نے قرآن سے پڑھا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو شروع سے آ رہے ہیں. اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے. مثال کے طور پر مرنے والے نے ٹوٹل جائیداد جو ہے وہ 600,000 روپے چھوڑی, مثال کے طور پر ٹوٹل جائیداد کتنی. اب پیچھے جو ورثاء ہیں ایک بیٹا ہے اور باپ ہے مرنے والے کا, اب چھٹا حصہ دیں گے والد صاحب کو, 600,000 میں سے چھٹا حصہ کتنے ہزار بنیں گے, اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ گئی. تبھی میں نے ایک کتنے ہزار والا جملہ بولا, بھی یہ کیا کرتے ہیں, 600,000 میں سے 100,000 دے دیں گے اس حالت میں, یہ پہلی حالت ہے والد صاحب کی, اور بقایا پیچھے رہ گئے وہ سب کے سب اس بیٹے کا ہے, وہ سب کے سب. میں بارہا اپیل کر رہا ہوں اور پھر بھی کرتا ہوں کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ ہر حالت پہ لاگو نہیں ہونا, جب ایسی حالت ہو ورثاء کی تو پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ ورثاء میں کون کھڑا ہے, صرف یا مرنے والے کا والد. اس صورت میں والد کو چھٹا دے دیں گے, جتنی جائیداد بھی چھوڑی اس کا چھٹا حصہ والد کو دے دیں گے,
वो पहले वाले कानून लागू करके जो आपको हम पढ़ाते चले आ रहे हैं कि पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर विरासत तकसीम होनी है, तो बका जितना बच जाएगा वो उसके बेटे का होगा। इसी तरह अगर बेटा ना हो बल्कि बेटे का आगे बेटा हो तो मरने वाले का बाप जिंदा, अब दादा और पोता रह गए, दादा और पोता रह गए, इनका आपस में रिश्ता तो यही होगा ना। अब देखें इस मरने वाले का बेटा भी मर गया, मरने वाले का बेटा भी मर गया। पीछे पहली सूरत में पीछे दो वरसा खड़े थे, मरने वाला तो गया, एक उसका वालिद है, एक उसका बेटा। अगर बेटे की तरफ निस्बत करें तो उसका वालिद बेटे का क्या लगेगा, दादा ही लगेगा ना, मैंने अभी आपको अर्ज भी किया। तो अब दूसरी सूरत है कि मरने वाला मर गया, उसका बेटा पहले से मरा हुआ है, फर्ज किया हमने, तो उसके बेटे का आगे एक बेटा है, उसके बेटे का आगे एक बेटा है, तो उस वक्त भी मसला यही रहेगा, क्योंकि अभी आपको अर्ज किया जब बेटा ना हो तो उसकी अगली औलाद उसके क्या मकाम हो जाएगी, जब वो ना हो तो फिर वो अगली औलाद उसके क्या मकाम, सूरत वही रहेगी। बाप ने छोड़ा 18,000 रुपया अपनी टोटल जायदाद, तो अब छठा हिस्सा देंगे इस मरने वाले के वालिद को, और बकाया जो 15,000 होगा वो हम दे देंगे इस मरने वाले के बेटे के आगे बेटे। ये वो पहली हालत है वालिद मोहतरम की कि जिसमें उनको कौन सा हिस्सा दिया जाता है, छठा हिस्सा दिया। दूसरी हालत है कोई शख्स इंतकाल कर गया, कोई शख्स इंतकाल कर गया, सूरत हाल यह है कि मरने वाले का ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटे का आगे बेटा और ना उस बेटे के आगे कोई बेटा, बल्कि मरने वाले की बेटी खड़ी है, या दूसरी सूरत मरने वाले की बेटी की बेटी खड़ी है, मरने वाले की बेटी की बेटी और कोई वारिस नहीं है, और कोई वारिस नहीं है, नहीं है। इस सूरत में बाप को दो तरह से हिस्सा मिलेगा, एक तो मिलेगा कि कुरान में आया कि वालिद का हिस्सा छठा है, जिस तरह की अभी पहली सूरत में हमने पढ़ा, पहले मिलेगा वालिद को छठा हिस्सा, कौन सा हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा, फिर उसकी बेटी का जितना शरीयत कह रही होगी, मरने वाली की बेटी का अगर एक है तो याद है कुरान ने क्या कहा था, फाला हन नेस्फ आधा, तो उसकी बेटी को आधा दे देंगे, वाले साहब को छठा हिस्सा और बेटी को आधा दे देंगे। एक हिस्सा तो वाले साहब ने बतौर साहिब फराइज के लिया, क्योंकि कुरान ने इसका हिस्सा मुकरर किया हुआ था। अब जायदाद है फर्ज किया 6,00,000 रुपए, फर्ज किया 6,00,000, बेटी है एक, बेटी है एक, तो कितना मिलेगा, 3,00,000 रुपए, और बाप को लाख। अब 3,00,000 ले गई बेटी और लाख ले गया, पीछे क्या बचा, अब ये भी तो किसी को देना है कि नहीं देना। अब बाप जो है दोबारा आ जाएगा बतौर अस्बा, अस्बा वो होता है कि जिनके हिस्से कुरान ने हदीस ने मुकरर किए हैं, जब उनको हिस्सा दे दिया जाए जितना बच जाए वो सबका सब अस्बे का होता है, वो सबका सब अस्बा। जब कुरान वाले हिस्से हर वारिस को, तो अब फिर देखना पड़ता है इनमें अस्बा कौन है, जैसा इस सूरत में अस्बा मरने वाले का बाप बन रहा है, मरने वाले का बाप बन रहा है,
उसको कुरान वाला हिस्सा भी दिया छठा हिस्सा, और फिर मरने वाले की बेटी थी और कोई वारिस नहीं है, उसको हमने जो कुरान ने कहा फला हनिस आधा उसको दिया तो माल बच गया। अब हमने देखा मरने वाले का असबा कौन बनता है, ये इल्म फरैज की एक इस्तिला है। फिर असबा के आगे तीन किस्में हैं, फिर असबा के आगे तीन किस्में हैं जिनकी तरफ ना जाने की ज़रूरत हो ना वो याद रहने, तो इतना काफ़ी है कि फिर देखना है इनमें असबा कौन है, इनमें असबा तो यहाँ वालिद मोहतरम असबा है, तो 2 लाख रुपए जो बचे हुए हैं वो भी किनको दे देंगे, वाले साहब को दे देंगे। अब हकीकत में देखें तो 3 लाख बेटी लेगी तो 3 लाख ही बाप ले गया, बाप की दूसरी हालत ये है, बाप की दूसरी हालत, पहली हालत बेटे वाली थी मरने वाले का बेटा खड़ा था, और दूसरी हालत में कौन खड़ी है, जहर है, बेटा मर्द है और बेटी मोनस है औरत है, इसलिए वो जो कुरान ने पीछे उसलूब रखा है लिज़ाकर मिसल हज़ल उनसायन, उसका लिहाज रखते हुए अब पीछे 2 लाख बचा है इस मिसाल में पीछे, वरना पिछली मिसाल में भी यही है, मरने वाले का एक बेटा खड़ा है और बाप है, बाप को छट्टा दिया तो 5 का 5 कौन ले गए, बेटा ले गए। अब कोई बंदा कहे जी इधर भी वही सूरत लागू करनी चाहिए थी, तो फिर वो कानून नहीं रहता पीछे जो सरकार अलैहिस्सलाम ने और कुरान ने दिया है कि औरत को ज्यादा से ज्यादा इतने तक मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा। अगर हम वही सूरत करते हैं तो रसूलुल्लाह ने जो वो कानून अता फरमाया फिर उस पर अमल नहीं हो सकता, उस पर क्या नहीं हो सकता, अमल नहीं हो सकता। इसी तरह बेटी की जगह आगे दूसरी नस्ल खड़ी हो, मरने वाला मर गए, मरने वाला मर गया, अब मरने वाले के बेटे की आगे बेटी खड़ी है, मेरा इंतकाल हो गया, क्या हो गया, इंतकाल हो गया, मेरा बेटा है मोहम्मद सादिक, मोहम्मद फर्ज किया एक ही हो, फर्ज किया वो मेरे होते होते मर गए, वो मेरे होते होते आगे सादे की एक बेटी है, आगे सादे की एक क्या है, बेटी है, अब मैं हूं, मेरा बाप है और मेरे बेटे की आगे एक बेटी है, तो अब मरने वाले की क्या लगी, वो पोती, मरने वाले की क्या लगी, जब मरने वाला मर गया पीछे बेटी खड़ी हो तब भी यही सूरत हाल होगी, जब मरने वाला मर गया पीछे पोती खड़ी हो तब भी यही सूरत हाल होगी, कि मरने वाले के वालिद को 2 तरह से हिस्सा दिया जाएगा, एक बतौर कुरान में जो हिस्सा है छठा वो देंगे, फिर औरत को जो रसूलुल्लाह ने कानून दिया उसके मुताबिक उस विरासत से हिस्सा दे दिया जाएगा, और जो कुछ बच जाएगा वो असबा होने के नाते से सबका सब मरने वाले का कौन ले जाएगा, बाप ले जाएगा। बेटी और पोती दोनों सूरतें एक ही। अब है बाप की तीसरी हालत, 2 हालतें समझ में आ गई, कदरे मुश्किल जरूर है, उसकी एक वजह यह है कोई भी बात हो जो हमने कभी ना सुनी हो ना वो पहली मर्तबा सुनते वो बंदे को जल्दी याद नहीं होती, आम जो बाकी शरीयत है कभी हमने किसी जगह से सुन ली, कभी खुद पढ़ ली, कभी किसी अंदाज से सुन ली, वो जो सबक दोहराते हैं कुछ ना कुछ पहले जहन में खाका होता है, कुछ ना कुछ दोहराने से फिर वो याद हो गया। एक ये वजह है कि विरासत के इस तरह के मसाइल जल्दी याद नहीं होते, दूसरी वजह यह है कि कदर आम शरीयत के मसाइल से ये मुश्किल भी हैं, कदर आम शरीयत के मसाइल से ये कुछ मुश्किल भी हैं, इसलिए जब भी विरासत की सूरत हाल होती है तो बंदे को अगर वो शरीयत के मुताबिक विरासत तकसीम करना चाहता है तो लामहाला किसी मुफ्ती के पास जाना ही पड़ता है, उसके बगैर गुजारा नहीं, वरना वो गुनाहगार होगा जो पीछे तकसीम करने वाला है, जो पीछे। और हमने भी इस बाब को इसलिए दस्तक दी है कि कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी।